सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो आई नो काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो आ रहा है बिकॉज मैं एक्चुअली ट्रिप पर गया हुआ था और अभी जो है इस महीने और अगले महीने जो है मेरा जो मेन बिजनेस है वहाँ पर सबसे बड़ी सेल है तो मैं थोड़ा एफ्लेट मार्केटिंग का जो मेरा काम है उसमें बिजी रहूँगा बट आज जो है मेरे को टाइम मिला है तो मैं आपको एक लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊँ ये धन के अकाउंट में करूँगा और मेरा स्विंग ट्रेड भी चल रहा है तो इसमें जो है वन पॉइंट एट लैक का प्रॉफिट चल रहा है इसको अभी मैं बुक नहीं करूँगा थोड़ा और होल्ड करना है मेरे को बाकी अभी मैं स्कैल्पिंग के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे हम किस जगह पे जो है अच्छे से स्कैल्प कर सकते हैं आ, क्या प्राइज एक्शन फॉलो होता है मॉर्निंग के सेशन में या कैसे जो है हम पुल बैक पर स्केल्प्स को उठा सकते हैं अभी आप देखो जैसे कि मार्केट क्या है कॉल साइड पर ऊपर बढ़ रहा है ठीक है मार्केट ओपन हुआ ये पहली कैंडल है 197 से 255 चला गया मतलब कि स्ट्रेंथ हमें पता चल चुकी है कि मॉर्निंग में जो है अपसाइड की है यहाँ पे अब जैसे मुझे पुल बैक मिलेगा एक अच्छी एंट्री मिलेगी तो इसमें जो है कॉल साइड पे मैं स्कैल्पिंग के लिए जाऊँगा सो so, यहाँ पे अपन जाते हैं स्कैल्पिंग के लिए पहले हम जो है देखो अभी एक अच्छा पुल बैक आया है यहाँ पे ठीक है so, सो मैं ट्राई करता हूँ टू सेवेंटी के आसपास ही इसको उठाने का uh, क्योंकि मार्केट जो है स्ट्रांग है तो यहाँ से ऊपर निकल सकता है हाई चांसेस है ओके सो so, अभी आप देखो मैंने सिर्फ कम क्वान्टिटी बाई करी है टू ठीक है अभी ये थोड़ा और नीचे आने दो मैं थोड़ा सा और इसे एवरेजिंग करूँगा बट अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो मेरा जो स्कैल्पिंग का टारगेट है वो आ जाएगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा ठीक है तो अभी जो 90 है नाइन्टी क्वान्टिटीज़ हमने ले रखी है स्कैल्पर मोड से और देखते हैं कि अगर ये प्रीमियम दोबारा इसके हाई को टच करता है ना तब हम इसको जो है एग्ज़िट कर देंगे ओके okay कैसे अगर ये रिवर्स होता है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था पुल बैक आने पे थोड़ी और क्वांटिटी मैं ऐड कर सकता हूँ ठीक है यहाँ पे मैंने जो है और क्वांटिटी इसमें ऐड कर ली है टू थर्टी फोर के प्राइस में तो अभी जो है दो सौ दस क्वान्टिट्टी का मैं ऑर्डर एग्जिट का लगा के रखता हूँ जैसे ये रिवर्स होगा और इस लाइन के नीचे क्लोज़ कर देगा ठीक है ये आपका जो है नाइन ई एम है इसके नीचे क्लोज़ कर देगा मैं इसको एग्जिट कर दूँगा वरना अभी जो है हम इसको होल्ड करते हैं अभी जो है हमारा आप देखो टू हंड्रेड थ्री का लॉस चल रहा है अब हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं और देखो उन्नीस सौ रुपये प्रॉफिट सत्रह सौ इस वाली ट्रेड में अगर मुझे चार से पाँच हज़ार रुपये मिलते हैं तो मैं इसमें एग्ज़िट कर दूंगा ओके सो तो आप देखो चार हज़ार पाँच हज़ार थोड़ा सा अगर और ऊपर जाएगा सिक्स थाउजेंड ओके सो गाइज इसको एग्जिट के लिए तैयार करता हूँ ठीक है इसको मैंने एग्जिट कर दिया है पहली स्केल्पिंग मेरी आपने देखा छः हज़ार तीन सौ रुपये का जो है इसमें प्रॉफिट बुक हो चुका कितने अच्छे से यहाँ पे जो है रिजेक्शन काम किया हमारा नाइन ई एम ए पर इसलिए जो है मैंने ऊपर जो है अपनी कम क्वान्टिटी से रखी थी अभी मैं आपको टोटल प्रॉफिट दिखा देता हूँ तो आप देखो छः हज़ार के ऊपर इस वाली ट्रेड में हमें मिला ठीक है सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड लॉजिक uh, क्या था मार्केट में कॉल साइड पे स्ट्रेंथ थी ठीक है मार्केट होल्ड करा तो यहाँ पे मैंने जो है पहले कम क्वांटिटी ली बिकॉज मार्केट अभी हाइयर लेवल पे था तो उसके बाद जैसे ये नीचे आया ना तो मैंने आपको ट्रेड लेने से पहले बोलता है कि अगर ये नीचे आता है तो मैं थोड़ा सा एवरेजिंग करने के लिए और क्वानिटिटी लूँगा बिकॉज पुल बैक पे जो है अच्छी एंट्री मिल जाती है जब ये नीचे आया नाइन ई एम के आसपास मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी और ली और वहीं से आप देखो ऊपर गया और प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर यहाँ पे मैं होल्ड कर जाता कि नहीं इसके हाई तक मुझे को टारगेट चाहिए इसके ऊपर भी चाहिए तो मार्केट में अगर आप देखो तो मोमेंटम जो है हर दिन नहीं आएगा ठीक है मार्केट में हर दिन आपको 300-400 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे 50-100 पॉइंट्स के रेंज में मार्केट मूव करता है तो जो है स्कैल्पिंग में भी आपको कम पॉइंट्स लेके निकलने पड़ते हैं इसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको तो टू से टू मतलब आप ये मान लो मोर देन तीस पॉइंट्स के करीब हमने जो है इसमें कैप्चर करे अगर अब हमको जो है कोई और अच्छी स्केल्प मिलती है जैसे यहाँ से ये यह ब्रेकआउट करता है ठीक है आप देखो कितने अच्छे रिजेक्शन ले रहा है तो इसमें जो है मैं अगेन एंट्री का ट्राई कर सकता हूँ सो so, मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ डेढ़ सौ क्वांटिटी अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे बिकॉज ऑलरेडी देखो हमारा प्रॉफिट हो चुका है सिक्स थाउजेंड का अब जो है इसको प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम रिस्क लेंगे थोड़ा थोड़ा तो अगर देखो ये इसके ऊपर निकलता है ना तो मैं इसमें क्विक स्ल्प करूँगा मतलब जैसे ही ब्रेक करेगा वैसी लूँगा और uh, जो मोमेंटम मिलेगा जिस उसी कैंडल में उसमें ही एग्ज़िट कर दूँगा और अगर रिवर्स हो रहा होगा तो छोटे से स्टॉप लॉस दे के दस बारह पॉइंट का एग्ज़िट कर दूँगा ओके सो मैंने बाय कर लिया आप देखो गाइज टू सेवेंटी वन के आसपास शायद मेरी बाइंग है और वन फिफ्टी क्वान्टिटीज़ जस्ट मैंने बाय करी है जो एंटिसपेशन है मेरा वो यही है कि यहाँ से अभी ब्रेक करके एटलीस्ट थ्री हंड्रेड तक तो जा सकता है एग्जिट का ऑर्डर भी हम जो है रेडी रखते हैं अब काफ़ी अच्छा लग रहा है मन कर रहा है और क्वान्टिट्टी एड करूँ बट नहीं वो जो रिस्क रिवॉर्ड है फिर बिगड़ जाएगा हमारा इस कैंडल पर मैं और क्वान्टिटी एड कर सकता था बिकॉज ये इतना अच्छा लग रहा है अभी बट नहीं ये वाली कैंडल जो है अच्छी नहीं बनी सो so इसको जो है हम एग्ज़िट करने प्रीफर करते हैं ओके okay, सो so आप देखो मैंने एग्ज़िट कर दिया बिकॉज़ ये वाली जो कैंडल है ना हाई के आसपास बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी सो so अभी जो है अपना प्रॉफिट का मौके आ चुका है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पर ठीक है तो अगर ये दोबारा ऊपर जाके ब्रेक करता है तो हम जो है दोबारा इसमें एंट्री ले सकते हैं बिकॉज़ अगर प्रॉफिट जैसे बड़ा करना है ना आपको तो अपने प्रॉफिट्स पर ही रिस्क लेना पड़ेगा अब मैंने अपने छः हज़ार के प्रॉफिट पे रिस्क लिया तो यहाँ पर जो है मेरे को दस हज़ार प्रॉफिट हो सकता था टोटल ठीक है बट उसी में जो है वन इस टू वन का जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड था उसमें मेरा एस एल ई टू है ट्वेंटी पॉइंट्स का तो मैंने उस ट्रेड को जो है एग्जिट कर दिया ओके सो बैग निफ्टी जो है दोबारा से ओपन निकलने का ट्राई कर रहा है सो so यहाँ पर आप देखोगा इस मैंने दोबारा बाय कर लिया है बिकॉज नीचे स्टॉप लॉस लेने गया था शायद ये सबके और अब जो है अगेन ये है अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है थोड़ी सी क्वान्टिटी और एड करूँगा मैं इसमें जो है नीचे पुल बैक आने पर सो रेडी रहते हैं ये जो है अच्छी ट्रेड हो सकती है हमारी एक अगर ये ऊपर भी ब्रेक करता है ना तो इसमें जो है मैं पिरामिडिंग करके क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ से जो है थोड़ा अच्छा ये टारगेट हमें दे सकता है एक ही कैंडल में चालीस पचास पॉइंट्स तक भी मूवमेंट आ सकती है प्रीमियम में तो जस्ट वेट करते हैं ओके गाइस सो इसमें जो है मैंने वन फिफ्टी क्वान्टिटी अभी और ऐड करी है नीचे तो टोटल जो अब है अब आप पे थ्री सिक्सटी क्वान्टिटीज़ हो चुकी हैं सो वेट करते हैं इसको इसके नीचे निकाल देंगे जैसे यहाँ पर आएगा टू फोर्टी थ्री के नीचे सो so, इसको जो है फुल एग्जिट कर देंगे यहाँ पर जो है एक अच्छा जो है बायर जोन तो बन रहा है यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए टीम हमको अगर इसे ऊपर जाना है अगर इसे नीचे जाना है तो ये इसके नीचे ब्रेक करके आ जाएगा सो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे वहाँ पर नाइन थाउजेंड एलेवन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन थाउजेंड ओके सो गाइज इसको जो है अब रिवर्सल हो रहा था तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया है so, सो आप देखो बारह हज़ार आठ सौ सोलह रुपये का जो है हमारा प्रॉफिट हो चुका है और ट्रेड हमारी ये कितनी अच्छी थी कि जो है बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड जिसे मैंने कहा था ना डे हाई अगर थोड़ा होल्ड करता तो और प्रॉफिट होता बट कोई बात नहीं जो भी है अच्छा मिला अपने को ठीक है लॉजिक हमारा बहुत सिंपल था कि जैसे कॉल साइड में आपने देखा मॉर्निंग में स्ट्रेंथ आई उसके बाद मार्केट होल्ड कर रहा पहली स्कैल्प हमारी यहाँ पर हुई थी इसमें हमें छः हज़ार का प्रॉफिट हुआ ठीक है उसके बाद अगेन जो है मैंने यहाँ पे जैसे ये ब्रेक कर रहा था ना यहाँ पे मैं टॉप पे एंट्री करी और वहाँ मैं फंस गया तो मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद अगेन जब मैंने देखा ना कि प्रीमियम जो है नीचे से सपोर्ट ले रहे तो यहाँ पर मैंने पहले एंट्री करी थोड़ी सी मैंने क्वांटिटीज़ और ऐड करी और उसके बाद जो है इसमें मोर देन हमको फिफ्टी पॉइंट्स मिले आप देखो टू फिफ्टी के आसपास हमारी बाइंग थी और जो एग्जिट हमारा हुआ थ्री हंड्रेड के आसपास सो so, इसमें भी जो है मोर देन फिफ्टी पॉइंट्स हमें मिले और मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये देखो टू फिफ्टी टू टू नाइनटी थ्री और जो है अपना टोटल प्रॉफिट जो हो चुका है वो हो चुका है बारह हज़ार आठ सौ सोलह रुपये का ठीक है ऐसी स्कैल्पिंग की जाती है छोटे छोटे रिस्क पे आप जो है स्कैल्पिंग कर सकते हो अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है आपको डायरेक्शन पता है कि मार्केट की किधर जा सकती है सो so, जो है आप वहाँ पे बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो जो है मेरा टारगेट होता है ना दिन का या तो दस पंद्रह हज़ार का स्टॉप लॉस या दस पंद्रह हज़ार का प्रॉफिट तो जो वो मेरा पूरा हो चुका है ठीक है इसके बाद अब बहुत अच्छा कोई सेटअप मिलेगा मैं तभी ट्रेड करूँगा या अब मैं जो है इस ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो है साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है तो मेरा जो है थोड़ा सा वर्क है दूसरी जगह पर तो वहाँ पर जो मेरा अभी इस टाइम पर ज़्यादा ध्यान है एक या दो महीने के लिए ठीक है बट स्कैल्पिंग का जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मेरे को मौका मिलेगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँगा पूरी जो है प्रॉपर वीडियो नहीं हो पाएगी जैसे इंट्रो शूट करता था मैं आउट्रो शूट करता था कैमरा से रिकॉर्ड करके बिकॉज उसमें जो है और टाइम लगेगा तो जैसी मैं लाइव ट्रेड करूँगा रिकॉर्डिंग करूँगा और जल्दी से एडिटिंग करके सीधा यूट्यूब पर डाल दूँगा आप लोगों के लिए ताकि आपको जो है उससे कुछ लर्निंग मिले ठीक है अब देखो यहाँ पर मार्केट में दो चीज़ें हो सकती है एक तो इसने डे हाई ब्रेक करा है तो यहाँ पर बहुत लोग कॉल में घुसे होंगे ठीक है यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स हो सकता है और फिर साइडवेज हो सकता है इसी रेंज में बिकॉज ऑलरेडी आप देखोगे मैं आपको इसमें दिखाऊँ डेली टाइम फ्रेम पर आप एक बार मार्केट को देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखोगे ना कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बना रहा है so सो यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है कि मार्केट वन लाइन में ही चलता रहे ठीक है या तो होल्ड करे कुछ दिन या तो यहाँ पे जो है एक रिट्रेसमेंट दे सकता है अच्छी खासी हजार दो हज़ार पॉइंट की तो उसी का जो है तो इसलिए जो है काफ़ी लोग कॉल साइड में ट्रैप हो सकते हैं सो so, अभी आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका है ठीक है अब जो है आप स्कैल्पिंग कम क्वांटिटीज़ से करो बिकॉज अब जो है मार्केट साइडवेज हो सकता है या तो जो है वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो सकता है अब देखो यहाँ पर कोई घुसता सीधा आप देखो पूरा मार्केट नीचा आ चुका है ठीक है तो यही जो रिस्क है ऐसे मार्केट में बिकॉज आप देखो कंटिन्यूस मार्केट में मोमेंटम आ चुका है तो यहाँ पर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब जितने भी लोगों ने जैसे अब मान लो मैंने दो लाख रुपए कमाए ठीक है ये दो लाख रुपए मैंने कब कमाए ट्रेंडिंग मार्केट में कमाए अब अगर यहाँ से मार्केट अगले पंद्रह दिन तक साइडवेज हो गया ना तो ये दो लाख रुपए मैं गवा दूंगा ट्रेड कर करके क्योंकि साइडवेज़ uh, मार्केट में आपको पता है ऑप्शन बायर बिल्कुल भी नहीं कमा पाता तो बेटर ये है कि अब अपने दिन को बंद करते हैं ठीक है यहाँ पे कोई भी अच्छी ऐसी ट्रेड अब मेरे को मिलेगी नहीं सो थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शायद कल भी मैं शूट करूँ तो कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा